हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार मध्य प्रदेश पीएससी 2010 की परीक्षा के माध्यम से नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुआ हूं। मैं आपको मध्य प्रदेश पीएससी 2020 के मुख्य परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अध्यापन का कार्य करूंगा और उम्मीद करता हूं मेरे एक्सपीरियंस से आपको मध्य प्रदेश पीएससी 2020 की मुख्य परीक्षा व आगे आने वाली जो परीक्षाएँ हैं उन्हें क्लियर करने में मदद मिलेगी। इस वीडियोज़ के माध्यम से मैं इन टॉपिक्स को क्लियर करूँगा। तो फ्रेंड्स, हमने उत्तर वैदिक काल में और सामाजिक स्थिति देख ली है और तुलनात्मक अध्ययन हमने ऋग्वैदिक काल के साथ कर लिया है। एक दृष्टि अगर हम डालना चाहें तो हम डाल सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में वो हमें परिवर्तन देखने को अब मिल रहे हैं जो ऋग्वैदिक काल में तो यद्यपि शुरू हुए थे और स्वरूप उनका धीरे धीरे जो हम वो परिवर्तन का तत्व जो हमें आगे हम इतिहास में देखेंगे या देखते हैं, जैसे स्त्रियों की स्थिति में तुलनात्मक रूप से जो गिरावट हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है, जब हम मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल या मध्यकालीन इतिहास तक हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें ये गिरावट देखने को मिल रही है। तो उसी प्रकार से अगर हम राजा की स्थिति की बात करें राजनीतिक रूप से, तो जो स्थिति हमें ऋग्वैदिक काल में आरंभिक रूप में दिखाई देती है, राजा का वो महत्व उत्तर वैदिक काल तक आते आते बढ़ रहा है और बाद के इतिहास में जब हम देखेंगे तो राजा की स्थिति बहुत मजबूत होती जा रही है। यद्यपि जब हम गुप्तोत्तर काल, लगभग गुप्त काल की बात करते हैं तो सामंतवाद की स्थिति में हम देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा राजा की स्थिति में हमें कमी दिखाई देती, ह्रास दिखाई देती शक्ति में, किंतु फिर भी राजा को महत्व उतना ही प्राप्त होता है। सल्तनत काल में भी हम वो महत्व देखते हैं और मौर्य काल तक अकबर, जहांगीर, शाहजहां के समय में तो राजा की केंद्रीय स्थिति हमने देखी ही है। मनसबदारी व्यवस्था वहां पर हम देखेंगे और उसके माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार से राजा नियंत्रण में रखता है अपने अधीनस्थ को, स्टाफ को। अब हम उत्तर वैदिक काल में आ रहे हैं आर्थिक स्थिति में, उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था। मित्रों, अर्थव्यवस्था जो हम वर्तमान संदर्भ में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के रूप में हम देखते हैं और आधारभूत संरचना के माध्यम से जो हम मूल्यांकन वर्तमान अर्थव्यवस्था का करते हैं, उस अर्थव्यवस्था की कल्पना हम वैदिक काल में तो नहीं करेंगे, किंतु हम ये देखते हैं कि जब समाज की शुरुआत होती है तो धीरे धीरे किस प्रकार से उस समाज ने अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप किस प्रकार से परिवर्तन अर्थव्यवस्था में किया या आर्थिक स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ। वस्तु विनिमय प्रणाली जो आरंभिक अवस्था में हम मानते हैं कि रही है और किस प्रकार से वो वस्तु विनिमय की प्रणाली मुद्रा अर्थव्यवस्था में ढल रही है, ये चीज़ हम धीरे धीरे देखते हैं जो भारतीय इतिहास में भी हमें देखने को मिलता है। अर्थव्यवस्था की यदि हम बात करें तो ये वो समय था कि जब आर्य, हम ये मानते थे कि आर्य खाना बदोश थे, अर्ध घुमक्कड़ थे, स्थायी जीवन चूंकि वो धीरे धीरे जीना शुरू कर रहे थे। अब अगर हम अर्थव्यवस्था की यहाँ बात करें तो ये वो समय था जब आर्य गंगा यमुना के ऊपरी दोआब में बस गए थे। यह वह समय था जब आर्य गंगा यमुना के ऊपरी दोआब में बस गए थे। अब हमें तो ये पता है कि गंगा और यमुना का जो ऊपरी दोआब है वहाँ पे धीरे धीरे कृषि जैसी स्थिति तो निर्मित हो ही गई थी, खेती की बात वहाँ पे शुरू हो गई थी। ये वो समय था जब आर्यों ने लौह तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, लोहे का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और कृषि में लोहे का महत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा था। लोहे से खुदाई का कार्य शुरू हो गया था। यद्यपि हम व्यापक प्रयोग की जानकारी तो नहीं पाते हैं किंतु यह मान रहे हैं, ये हमें शोध से पता चल रहा है कि हाँ, आर्यों ने कृषि कार्यों में लोहे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो निश्चित रूप से लोहे का यदि प्रयोग होगा तो गहरी जुताई की स्थिति तो बनेगी ही। तो आर्य गंगा यमुना के ऊपरी दोआब में बस गए थे। चूंकि अग्नि और लोहा ये दो चीज़ें थीं जिनके माध्यम से इन्होंने वनों की सफाई का कार्य, वनों की सफाई का कार्य इन्होंने कर दिया था। तो निश्चित रूप से जब वनों की सफाई हो गई और कृषि में लोहे का प्रयोग धीरे धीरे शुरू हो गया, हम ये नहीं कह रहे कि बहुत व्यापक प्रयोग हुआ किंतु आरंभिक प्रयोग हमें फिर भी देखने को मिलता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो आर्य जो पहले
अर्ध घुमक्कड़ खानाबदोश का जीवन जी रहे थे, उन्होंने अपने जीवन में कृषि को महत्व देना शुरू कर दिया। यानी ये वह समय था जब अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब कृषि के महत्व को हमें देखना है तो किन किन साहित्यिक स्रोतों से इसकी पुष्टि हमें मिलती है। कृषि का महत्व हम ये मान के चल रहे हैं कि जो अर्थव्यवस्था थी ये अभी भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही हम इसको मान के चलेंगे। यद्यपि कौसाम्बी और इंद्रप्रस्थ जैसे नगरों की हमें चर्चा यहाँ पे मिलती है, किंतु हम ये मानेंगे कि मूलतः अर्थव्यवस्था ग्रामीण ही थी। यद्यपि साक्ष्य हमें मिलते हैं और नगर का जो हम उल्लेख यहाँ पे पाते हैं ये वो हैं जो आरंभिक अवस्था के, नगर की नगरीय संस्कृति की आरंभिक अवस्था के द्योतक थे। कौसाम्बी और इंद्रप्रस्थ ही ऐसे हमें दिखाई देते हैं जिनकी हम पुष्टि पुरातात्विक साक्ष्य से करते हैं, जो हमें नगर के आरंभिक रूप में दिखाई देते हैं। पर अगर हम देखें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही थी, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। यहाँ पर यद्यपि पशुपालन का महत्व कम नहीं होता है। अब कृषि का महत्व आर्यों के जीवन में बढ़ रहा है, इसके लिए हमारे पास साहित्यिक साक्ष्य बहुत सारे हैं। जैसे हम देखते हैं शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण ये वो ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें कृषि के अनुष्ठान की चर्चा है। कृषि के लिए अनुष्ठान की चर्चा हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। अब अनुष्ठान किस लिए किया जाता है? ताकि बेहतर लाभ हम प्राप्त कर सकें। अब अगर कोई अनुष्ठान कृषि के लिए है जिससे हम कृषि से बेहतर लाभ प्राप्त कर सकें, तो निश्चित रूप से इससे तो हमें ये तथ्य पुष्ट होगा ही कि कृषि का महत्व ऋग्वैदिक काल में जो प्रारंभिक रूप में था वो यहाँ पर आकर उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण होता जा रहा है। और इसका कारण हम ये भी देख रहे हैं कि आर्यों ने स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया था, गंगा यमुना के ऊपरी दोआब में बस गए और बाद में फिर वो किस प्रकार से मध्य दोआब से होते होते आगे उनका प्रसार होता है। तो इसका मतलब ये है कि शतपथ ब्राह्मण में जो कृषि अनुष्ठान है, अथर्ववेद की यदि हम बात करें तो इसमें बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं। अथर्ववेद में हमें बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं। ये मंत्र अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, इनके रोकने के लिए ये मंत्र हैं। मतलब आर्य ये मान रहे थे कि कृषि का महत्व तभी हो सकता है, पैदावार तभी बढ़ सकती है जब अतिवृष्टि व अनावृष्टि जैसी चीजें ना हो। अगर अत्यधिक वर्षा हो गई उससे भी फसल खराब होती है, वर्षा ना हो तब भी फसल खराब होती है। तो इसका मतलब ये है कि मंत्रों के माध्यम से आर्य अतिवृष्टि व अनावृष्टि के रोक की कामना करते थे। तो इसका तात्पर्य हुआ कि कृषि का महत्व बढ़ता जा रहा है। अब कृषि केवल, कृषि के महत्व को हम देखेंगे कि कृषि केवल निचले स्तर तक सीमित नहीं थी, निम्न वर्ग तक ही सीमित नहीं थी, अपितु उच्च वर्ग भी हमें कृषि के कार्यों में योजित दिखता है। अब उच्च वर्ग भी हमें कृषि कार्य में दिखता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें दिखता है राजा जनक के रूप में। राजा जनक ने बैलों के माध्यम से जुताई करी। राजा जनक का उदाहरण हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और राजा जनक, अगर राजा कृषि कार्य में नियोजित है, इसका मतलब यह है कि कृषि केवल निम्न वर्ग तक नहीं थी, उच्च वर्ग तक भी कृषि की महत्ता थी और कृषि का महत्व हमें देखने को अब मिल रहा है। ठीक, कृषि में भी हम देखते हैं
फसलों की संख्या में वृद्धि, फसलों की संख्या में वृद्धि, ये वो काल था जब हमें, अब तक तो हम यव, जौ, गेहूं, गोधूम, धान्य इत्यादि का तो प्रयोग हम देख रहे थे कि जीवन में हो रहा है, उड़द, अन्य दालें इत्यादि भी हमें देखने को मिलती हैं, जैसे मसूर वगैरह, हम इनके साहित्यिक साक्ष्य भी हमें देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब फसलों की संख्या में भी अब वृद्धि होती जा रही थी। तो आर्यों की यदि हम बात करें तो आर्यों ने अब गंगा यमुना के ऊपरी दोआब में रहना सीख लिया था, उन्होंने अग्नि व लोहे के प्रयोग से वनों की सफाई इत्यादि का कार्य कर लिया था, कृषि का महत्व तो उनके जीवन में बढ़ने लगा था और फसलों की संख्या में भी हमें यहाँ पे वृद्धि देखने को मिल रही थी। कृषि का महत्व तो हमें कई सारे वैदिक ग्रंथों में और कृषि में उच्च वर्ग द्वारा भी अपना सहयोग दिया जा रहा था, ये हमें देखने को मिल रहा था, साहित्यिक स्रोतों से इनकी पुष्टि होती जा रही थी। दूसरी चीज, कृषि यद्यपि अब महत्व प्राप्त करती जा रही थी, आर्य स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिए थे, तो क्या पशुपालन का महत्व घट गया था? आर्य जीवन में क्या पशु चारण का महत्व घट गया था? तो नहीं, पशु चारण का महत्व था। यदि हम बात करते हैं कृषि की, तो यद्यपि कृषि निश्चित रूप से प्रमुख स्थान प्राप्त कर ली थी, लेकिन अभी भी आर्यों के जीवन में पशु चारण का महत्व था, ये महत्व कम नहीं हुआ था। तीसरी चीज आती है अर्थव्यवस्था में शिल्प की। कृषि में अधिशेष उत्पादन शुरू हो गया, अब हमें कृषि कार्य से कुछ चीजें हमारे पास बचत होने लगी, तो कुछ ऐसे वर्ग भी थे जिन्होंने अपने आप को कृषि से इतर अन्य सैल्पिक गतिविधियों में नियोजित कर लिया। कृषि अधिशेष के कारण अधिशेष की स्थिति बनी, तो जो लोग थे कृषि अधिशेष ने लोगों को कृषि से स्वतंत्र कर, कृषि से स्वतंत्र कर अन्य पेशे के लिए, अन्य पेशे में नियोजित किया। मतलब लोगों ने कृषि के कारण एक वो स्थिति प्राप्त कर ली थी कि अब उनको पर्याप्त अधिशेष हो रहा था, और इसका कारण यह हुआ कि लोगों ने अब अपना दिमाग अन्य शैल्पिक गतिविधियों में लगाया। और ये हमें कैसे पता चलता है? इस काल में हमें धातु प्रगलन के विषय में जानकारी मिलती है। ये वो समय था जब हम धातु प्रगलन जैसे कार्य देखते हैं, बढ़ाई गिरी के कार्य हमें देखने को मिलते हैं, ये वो कार्य था। बुनाई का उद्योग अलग से हमें देखने को मिलता है, आभूषण निर्माण का हमें अलग से देखने को मिल रहा है, रंगाई, कुंभकारी, जैसी शैल्पिक गतिविधियां हमें यहां पे देखने को मिलती। ये सब हमें यहां पर ऐसी शैल्पिक गतिविधियां मिलती हैं। अब इन शैल्पिक गतिविधियों में भी अगर हम धातु की बात करें तो धातु के रूप में सोना, तांबा और कांसा, ये तीन धातुएं तो हम ऋग्वैदिक काल में देखने को पा ही रहे थे। ये वो समय था जब आर्यों ने लोहे का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, चांदी का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। मतलब लोहा और चांदी उत्तर वैदिक काल में हमें
नई धातु के रूप में देखने को मिलती है। ऋग्वैदिक काल तक आते आते सोना, तांबा व कांसा का ज्ञान हम देखने को पा रहे हैं। इस प्रकार कृषि, पशुपालन और फिर इसके बाद कृषि पशुपालन के बाद हम देखते हैं शिल्प और फिर हम देखते हैं शिल्प, शिल्प के बाद हम देखते हैं व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य की क्या स्थिति हमें इस काल में देखने को मिलती है। ये तो हमने देखा है कि हड़प्पा सभ्यता में हमने व्यापार वाणिज्य की जो स्थिति देखी थी कि कई सारे नगर हमें देखने को मिल रहे थे, उसके बाद लगभग 1000 वर्ष तक भारतीय इतिहास में हमें वैसी कोई नगरीय सभ्यता देखने को नहीं मिलती। अब जब हम वैदिक काल में आते हैं तो थोड़ा थोड़ा व्यापार वाणिज्य की अगर हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल की तुलना में ये हमें तुलनात्मक रूप से अधिक उन्नत दिखाई देता है, तुलनात्मक रूप से। हमने ऋग्वैदिक काल में पाणी नामक समूह के विषय में जानकारी प्राप्त करी थी जो व्यापार कार्यों से संबंधित थे और उनकी और आर्यों की अक्सर लड़ाई होती थी। क्यों? क्योंकि वो आर्यों की गायें चुरा लेते थे, ऐसा उल्लेख था। यहां हम देखते हैं तो तुलनात्मक रूप से अधिक उन्नत हमें दिखाई देता है। अब हम देख रहे हैं धातुओं में, अगर हम ग्रंथों की बात करें, वैदिक ग्रंथों की बात करें तो सामुद्रिक यात्रा का जिक्र हमें मिलता है, सामुद्रिक यात्रा का जिक्र हमें ग्रंथों में मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि व्यापार के लिए लोग अब समुद्र से आना जाना शुरू कर चुके थे। मतलब व्यापार केवल क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा अपितु क्षेत्र के बाहर भी प्रसारित हो रहा था। सामुद्रिक यात्रा का जिक्र है, इसका तात्पर्य हम ये निकालते हैं। यहां पे हम ये भी देखते हैं महाजन, ये निश्चित रूप से वित्त संबंधी कार्यों से संबद्ध व्यक्ति होता है और महाजन के लिए हमने कुसीदिन का प्रयोग, कुसीदिन ये प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कुसीदिन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। जैसे अभी 2019 की परीक्षा में एक प्रश्न आया था कि पाणि नामक संस्था, पाणि नामक व्यक्ति किस कार्य से संबद्ध था, वैसे ही पूछा जा सकता है कि कुसीदिन नामक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो महाजन के लिए कुसीदिन शब्द का प्रयोग हमें शतपथ ब्राह्मण में, हमें मिलता है। तो व्यापार वाणिज्य की स्थिति यदि हम देखें तो तुलनात्मक रूप से हमें अधिक उन्नत दिखाई देती है। सामुद्रिक यात्रा का उल्लेख ग्रंथों में मिलता है, महाजन इत्यादि जैसे व्यक्तियों का जो कुसीदिन शब्द का प्रयोग, इसका मतलब ये माना जा रहा है कि व्यापार वाणिज्य की स्थिति ठीक ठाक अब हो गई थी, हो रही थी। सामुद्रिक यात्रा का मतलब ये है कि व्यापार का भी प्रसार हो रहा था, केवल क्षेत्र तक नहीं था, क्षेत्र के बाहर भी हमें ये व्यापार वाणिज्य की स्थिति देखने को मिलती है। इसी समय पे यदि हम देखें मुद्रा की बात करें, मुद्रा अर्थव्यवस्था की बात करें, तो ये वह समय था मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास अगर हम सोचें कि इस काल में हो गया था तो विकास नहीं हुआ था। अभी भी हमें मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास नहीं दिखता, मतलब वस्तु विनिमय की प्रणाली अभी भी प्रचलित थी जैसा कि हम ऋग्वैदिक काल में देख रहे थे। यहां पे भी हमें मुद्रा अर्थव्यवस्था विकसित दिखाई नहीं देती, हम निष्क शतमान और कृष्णल, इनका उल्लेख तो पाते हैं। निष्क शतमान और कृष्णल, निष्क को जैसे हम ऋग्वैदिक काल में ये बोलते थे कि सोने का कोई पदार्थ है, कोई आभूषण है, हम ऋग्वैदिक काल में मानते थे। शतमान हम 100 गायों का समूह से समायोजित करते थे, तो हम ये मान रहे थे कि निष्क शतमान और कृष्णल का हम प्रयोग तो अवश्य इस काल में पा रहे हैं, किंतु ये तीनों नियमित सिक्के नहीं थे, ये नियमित सिक्के नहीं थे। मुद्रा के रूप में हम इनका उल्लेख तो पा रहे हैं,
किंतु ये नियमित सिक्के नहीं थे। अब अगर नियमित सिक्के नहीं थे तो क्या आरंभिक रूप थे? ये सिक्कों का हम आरंभिक रूप मान सकते हैं, इन्हें हम सिक्कों का आरंभिक रूप मान सकते हैं, किंतु सिक्के हम नहीं मानते क्योंकि मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास इस काल में नहीं हुआ था। अब अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे लिखा है कि अर्थव्यवस्था का स्वरूप उत्तर वैदिक काल में भी ग्रामीण ही बना रहा। ग्रामीण स्वरूप क्या रहा? इस काल में भी अर्थव्यवस्था का स्वरूप ग्रामीण ही बना रहा। और नगर शब्द यद्यपि हमें तैत्तरीय संहिता में नगर शब्द का जो प्रयोग हमें मिलता है, ये कौशाम्बी और हस्तिनापुर, मैं जिसे इंद्रप्रस्थ बार बार बोल रहा था, ध्यान देंगे, कौशाम्बी और हस्तिनापुर जिसे मैं अभी लगातार इंद्रप्रस्थ बोलता रहा हूं वैदिक काल में, तो जो नगर शब्द हमें देखने को मिलता है वस्तुतः ये नगर के आरंभिक रूप थे, पूर्णतः हम नगर नहीं मान सकते। यद्यपि हमें वैदिक ग्रंथों में अन्य भी नगरों की जानकारी मिल रही है, लेकिन उन नगर की कसौटियों में यदि हम देखें तो जो पूरा तात्विक साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं उसके हिसाब से हम कौशाम्बी और हस्तिनापुर को ही नगर की स्थिति में मान सकते हैं, किंतु ये भी पूर्णतः नगर नहीं थे अपितु नगर के आरंभिक स्वरूप थे। और यदि हम निष्कर्ष के रूप में देखें तो अर्थव्यवस्था का स्वरूप इस काल में भी ग्रामीण ही बना रहा जो कि ऋग्वैदिक काल में भी था। अंतर सिर्फ इतना है कि ऋग्वैदिक काल की तुलना में इस काल में हमें कृषि में ज्यादा अच्छी स्थिति देखने को मिलती है, वाणिज्य व्यापार में अच्छी स्थिति देखने को मिलती है, शैल्पिक गतिविधियों में अच्छी स्थिति देखने को मिलती है और मुद्रा के संबंध में भी हमें अच्छी स्थिति देखने को मिल रही है। तो यह हो गई ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था और उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था, इन दोनों का तुलनात्मक परिचय और उसके साथ साथ उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था का विवरण। अब हम उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति के विषय में चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के वो सभी पहलुओं को देख लिया है जो आयोग की परीक्षा के स्वरूप में 2020 में निर्धारित किए गए हैं। उदाहरण के लिए हमने राजनीतिक स्थिति देख ली है, सामाजिक स्थिति देख ली है, आर्थिक स्थिति देख ली है और हमने ये भी देख लिया है कि इन दोनों कालों में किस प्रकार से इतिहास बदल रहा है, इतिहास के स्वरूप में किस प्रकार से परिवर्तन होता जा रहा है। इतिहास के स्वरूप से तात्पर्य हम ये लेंगे कि किस प्रकार से राजनीतिक स्थिति में हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है, आर्थिक स्थिति में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और किसी भी विषय के अध्ययन के क्रम में हमें ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा कर रखनी है कि हम उन चीज़ों पर ध्यान दें जो किसी भी स्वरूप को निर्धारित करते हैं। अगर हम बात करें उत्तर वैदिक की या हम बात करें ऋग्वैदिक की, तो वो कौन से तत्व हैं जिन्होंने ऋग्वैदिक काल को उत्तर वैदिक काल में परिवर्तित किया, ये हमें देखना होगा वो तत्व क्या थे। तो अगर हमने उन तथ्यों की समझ विकसित कर ली, उन तत्वों को समझ लिया, तो भारतीय इतिहास की मैं बात करूँ, प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, प्रारंभिक परीक्षा में भी बहुत सारे ऐसे तथ्य या प्रश्न आते हैं जिस पे आपके कॉन्सेप्ट पे पूछा जाता है, और बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो तथ्यों पर आधारित होते हैं। तथ्य के आधार पे आप सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा निकाल सकते हैं, किंतु मुख्य परीक्षा के लिए आपका विश्लेषणात्मक ज्ञान होना अनिवार्य होता है। यदि हम बात करें उन तथ्यों की या उन तत्वों की जिन्होंने स्वरूप में परिवर्तन किया, अगर हमने उन्हें समझ लिया है तो प्रश्न कहीं से भी हो, अगर मुझे मौर्य काल की राजनीतिक स्थिति में प्रश्न लिखने को आता है तो मैं मौर्य काल पर लिख सकता हूँ, मुझे पता होगा कि हमने देखा है वैदिक काल में राजा की स्थिति धीरे धीरे सशक्त होती जा रही है। तो अगर हमें मौर्य काल, ये मैं थोड़ा सा विषय वस्तु से हट रहा हूँ, धार्मिक स्थिति में आने से पहले एक बार मैं चाहता हूँ कि एक विजन अपना थोड़ा सा बढ़ जाए। तो हम अगर मौर्य काल की बात करें, यद्यपि इसके पहले हम देखते हैं महाजनपद काल,
तो हम एक एक चीज भी अगर उठाते हैं तो धर्म की हम बात करते हैं तो ये वो समय था जब वैदिक काल का जो धर्म है उस पर इस काल तक आते आते बौद्धिक क्रांति का प्रभाव पड़ा और जैन और बौद्ध दो ऐसे धर्म हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने इतिहास की विचारधारा को बदल दिया। यद्यपि हमारे पास अन्य भी 22 संप्रदायों के विषय में जानकारी 62 संप्रदायों की जानकारी हमें जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से और बौद्ध ग्रंथ से हमें मिलती है। उन 62 संप्रदायों में हमने देखा कि जैन और बौद्ध ही ऐसे धर्म थे जो भारतीय इतिहास के साथ प्रवाहित होते रहे और आज भी हम उसके बीज अपने इतिहास में देख रहे हैं। तो जो राजा की स्थिति की मैं बात करूं, राजनीतिक मैं भी बात करता हूं, तो राजनीति की यदि हम बात करें तो राजा की स्थिति यहां से हम देखते हैं, राजा को उठाते हैं, यहां से थोड़ी सी मजबूत स्थिति थी, यहाँ पर आकर ज़्यादा मजबूत हुई, यहाँ पे आके और मजबूत हुई और यहाँ पे आके और ज़्यादा मजबूत हो गई। तो देखिए परिवर्तन हमें यही दिखाता है, वो तत्व तो हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम क्या स्थिति में थे, यहाँ पे हम आरंभिक अवस्था में थे, कबायली संरचना में थे, घुमक्कड़ स्थिति में थे। तो निश्चित रूप से राजा भी कबीले के प्रधान के रूप में काम कर रहा था, जन आधारित हमें देखने को मिलता है। यहाँ तक आते आते हमने लगभग स्थिर स्वरूप प्राप्त कर लिया था और जन की जगह में जनपद आधारित हो गया था और धीरे धीरे अब वो क्षेत्र निश्चित होने लगा था। ये वो काल था जब राजाओं ने बड़े बड़े क्षेत्रों में विजय प्राप्त करना शुरू कर दिया था और इस काल तक आते आते राजा ही सर्वे सर्वा हो गया था, राजा ही महत्वपूर्ण हो गया था। तो हम केवल अभी एक बात कर रहे हैं राजा की स्थिति पर। इसी प्रकार हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था में भी जो पशुपालन को प्रधानता थी धीरे धीरे वो कृषि के लिए अग्रसर हुई और कृषि का महत्व धीरे धीरे बढ़ता गया और वो महत्व हमें आगे आधुनिक काल तक भी देखने को मिलेगा। आधुनिक काल तक हम देखते हैं कि कृषि का महत्व बढ़ता रहा, जैसे हमने देखा भी है कि अंग्रेजों ने भारत में कृषि पर ही सबसे ज्यादा फोकस किया। व्यापार उनका यही था कि भारतीय वस्तुओं को लेते थे और विदेशों में जाकर उसको बेचते थे। तो भारत अगर हम बात करेंगे व्यापार अधिशेष की तो हमेशा व्यापार संतुलन भारत के ही पक्ष में हमें अंग्रेजों के समय में देखने को मिला। तो भारतीय कृषि की हम बात करें तो वो कृषि का महत्व जो इस समय शुरू हुआ वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल से धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल और वो आज भी हमें देखने को मिल रहा है, तो वही है कि वो तत्व क्या थे। अगर हमने तथ्यों को और तत्वों को दोनों को दिमाग में रखा तो हम किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगर हम मौर्य काल की बात करेंगे तो अब हम राजनीतिक स्थिति की बात करेंगे। सभा समिति जैसी संस्था यद्यपि यहाँ से विलुप्त होती जा रही है, हमें यहाँ पे मंत्रिपरिषद और विभिन्न प्रकार के अधिकारियों के विषय में जानकारी मिलती जा रही है। तो ये एक बतलाने का उद्देश्य यही है कि हमारा उद्देश्य या हमारा विजन केवल और केवल ये होना चाहिए कि विषय वस्तु में परिवर्तन का तत्व क्या है, निरंतरता का तत्व क्या है। तो अगर हमने इन चीजों को दिमाग में रखा तो किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी और आयोग की डिमांड भी यही है कि हम किस प्रकार से विषय वस्तु को प्रस्तुत करते हैं। और अब तो शब्द सीमा भी कम कर दी गई है और शब्द सीमा कम होने का मतलब यह है कि हमें तार्किक होना पड़ेगा। जितने ज्यादा हम तार्किक होंगे उतने ही ज्यादा हम संक्षिप्त होते रहेंगे और उसका प्रभाव हमें हमारी लेखनी में देखने को मिलेगा। शुरू करते हैं धार्मिक स्थिति। हमने ऋग्वैदिक काल में देखा था कि जो धर्म है, ऋग्वैदिक काल में हमने देखा था कि जो धर्म है वो उपयोगितावादी था, आशावादी धर्म था, मनुष्य के कल्याण की हमने बात करी थी। यद्यपि जब हम पूछते हैं कि अग्नि कौन है तो संदेह का स्वर हमें ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलता है, वो स्वर इतना मजबूत नहीं था। संदेह का स्वर मतलब ये है कि हमें अब मानव मस्तिष्क ये सोचने लगा था कि आखिर ये है क्या। अगर हम अग्नि की बात करें तो अग्नि क्या है, जिसको हम पूज रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो जब हमने उसको सोचना शुरू किया, समझना शुरू किया तो वही हमें उपनिषद चिंतन के रूप में दिखाई देता है। तो जो धर्म का स्वरूप है, जो उपयोगितावादी धर्म था, यहां तक आते आते धार्मिक क्लिष्टताएं जटिलताएं
धार्मिक क्लिष्टताएं और जटिलताएं हमें यहाँ पे देखने को अब मिलती हैं। ऋग्वैदिक काल की तुलना में यहाँ पे जटिलता ज़्यादा बढ़ गई थी। महत्व यज्ञ का ऋग्वैदिक काल में भी था, प्रार्थना का महत्व था, यहाँ पे यज्ञ का महत्व हमें ज़्यादा दिखता है। देवता की हम बात करें तो देवताओं में पुरुष देवताओं की प्रधानता हमें ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलती है और इस काल में भी देखने को मिलती है। अंतर सिर्फ इतना हो गया कि वो देवता जैसे कि इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, तो इंद्र जिन्हें इतनी महानता प्राप्त थी ऋग्वैदिक काल में, यहां तक आते आते उनका महत्व घट गया और देवताओं के रूप में त्रिदेव की अवधारणा या परिकल्पना, त्रिदेव की अवधारणा या परिकल्पना यहीं से शुरू हो जाती है। मतलब अब इंद्र का महत्व यहां तक आते आते घटता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो तीन देवता हैं, इनका महत्व इस काल तक आकर के अब बढ़ने लगा और इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य इत्यादि का उद्देश्य आदि का जो महत्व है वो यहाँ पे घट रहा है। तो धार्मिक क्लिष्टताएं, जटिलताएं बढ़ रही हैं, त्रिदेव की परिकल्पना का बीजारोपण यहाँ पे हो रहा है। उपासना का उद्देश्य ऋग्वैदिक काल में भी उपासना का उद्देश्य क्या था? उपासना का उद्देश्य मानव मात्र का कल्याण था, आत्म सुख था, आशा के गीत ये गाते थे, भौतिक सुखों की प्राप्ति। तो यहां पर भी उपासना का उद्देश्य वही बना रहा, मतलब भौतिक सुखों की प्राप्ति। उपासना का उद्देश्य यहाँ पर भी हमें भौतिक सुखों की प्राप्ति ही बना रहा और उपासना की जो पद्धति है, मतलब इस उपासना पद्धति में यज्ञ का महत्व अब बढ़ने लगा था। पहले प्रार्थना का था, अब यज्ञ का महत्व बढ़ गया। यज्ञ का महत्व बढ़ गया। विभिन्न प्रकार के यज्ञों के विषय में हम जानकारी, राजसूय, वाजपेय, वाजस्नेह, बहुत सारे यज्ञों के अश्वमेध, हम सारे यज्ञों की बात हम कर रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार के यज्ञों का महत्व हमें यहाँ पे देखने को मिलता है और इससे यज्ञ के महत्व के कारण यज्ञ जो है खर्चीले हो गए और जटिलताएं इस कारण से बढ़ गई, जटिल भी होने लगे। सब लोग यज्ञ कर नहीं सकते थे, तो इस प्रकार से उपासना पद्धति में यद्यपि प्रार्थना का महत्व अभी भी था, प्रार्थना कम नहीं हुई, प्रार्थना तो आज भी हमें देखने को मिलती है, तो प्रार्थना का महत्व आज भी था, ठीक है, प्रार्थना का महत्व कम नहीं हुआ, पूजा का महत्व हमें देखने को मिलता है, तप का महत्व हमें देखने को मिलता है, ये सब हमें देखने को मिलता है। अब नई चीज क्या हुई? अब नई चीज के रूप में हमें देखने को मिलता है कि दर्शन या दार्शनिक चिंतन का आरंभ हमें उपनिषदों में मिल जाता है। क्योंकि इस काल में उपनिषदों की रचना हुई और ये वो काल था कि उपनिषद की रचना से दार्शनिक चिंतन का आरंभ हो गया। दार्शनिक चिंतन का आरंभ हो गया। आत्मा और ब्रह्म के संबंध क्या हैं, कैसे हैं, इस दार्शनिक चिंतन में हमने आत्मा और ब्रह्म का जो संबंध है उसको हमने विरूपित करना आरंभ कर दिया। ये वो काल था, उपनिषदों के माध्यम से हमने ये चीजें शुरू कर दी कि आत्मा और ब्रह्म का अंतर संबंध क्या होता है और विभिन्न प्रकार के दार्शनिकों ने अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करना शुरू कर दिया। तो देवताओं की स्थिति में परिवर्तन आ गया,
अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रार्थना पूजा तप तो था, लेकिन महत्व तो यज्ञ का बढ़ गया, यज्ञ का सर्वाधिक महत्व तो हो गया, दार्शनिक चिंतन का आरंभ हो गया। ये चीज़ें हमें उत्तर वैदिक काल के धर्म में देखने को मिलती है और जटिलताएं व क्लिष्टताएं अब धीरे धीरे बढ़ने लगी। यद्यपि उपासना का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति यहाँ पर भी बना रहा, उपयोगितावादी धर्म यहाँ पर भी था, किंतु दार्शनिक चिंतन का आरंभ अब हो गया था। और बाद में हम देखते हैं कि किस प्रकार से उस दर्शन ने भारतीय इतिहास को प्रभावित किया और उस दर्शन से कितनों ने प्रेरणा प्राप्त करी और कितने नवीन धर्म हमें अपने यहाँ देखने को मिले। तो मित्रों, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के साथ साथ अब वैदिक काल हमारा समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे जो हमने तथ्य और संकल्पनाएं देखी हैं उनसे आपकी मुख्य परीक्षा के लिए पर्याप्त सहयोग मिलेगा, क्योंकि अपना उद्देश्य मध्य प्रदेश पीएससी में जो 2020 का पाठ्यक्रम बनाया गया है उसके हिसाब से ही मुख्य परीक्षा की तैयारी करना है। इसलिए मैं फिर से कहता हूँ कि तथ्य की ओर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमारा उद्देश्य विश्लेषण पर होना चाहिए। शब्द सीमा चूंकि कम हो गई है तो हम जितने ज़्यादा तार्किक होंगे उतना ही बेहतर हम उत्तर लिख पाएंगे, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम चीज़ों को समझें। अगर हमारी समझ शक्ति विकसित हो जाएगी तो हमारा उत्तर भी उसके अनुरूप अच्छा हो जाएगा। अब मैं मानता हूं कि अब तक में हमने जो अध्ययन किया है उससे आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप आपकी तैयारी हो गई होगी, और इन दो टॉपिक से जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं या जो प्रश्न हैं, एक अगले लेक्चर में हम उन प्रश्नों पर चर्चा कर लेंगे कि अब तक कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उन प्रश्नों का अभ्यास हमें किस प्रकार से करना है, उत्तर लेखन का तरीका क्या हो सकता है। धन्यवाद।